Hello, my name is Safana. Hello, my name is Sadia. Hi, my name is Fatma. Assalamualaikum. आज हम लोग बच्चों के साथ कहानी का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और आज की कहानी है एक था उल्लू। तो मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। एक था उल्लू। एक उकाब और एक उल्लू में दोस्ती हो गई। उकाब कहते हैं ईगल को और उल्लू कहते हैं आउल को, ठीक है। तो एक उकाब और एक उल्लू में दोस्ती हो गई। उकाब बोला, भाई उल्लू, मैं तुम्हारे बच्चों को कभी नहीं खाऊंगा, मगर ये तो बताओ कि उनकी पहचान क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी परिंदे के बच्चों के धोखे में मैं उन्हीं को खा जाऊं। उल्लू ने जवाब दिया, भला ये भी कोई मुश्किल बात है, मेरे बच्चे सब परिंदों के बच्चों से ज्यादा खूबसूरत है, उनकी आवाज भी बहुत सुरीली है। उकाब ने कहा, बस 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 बस, मैं समझ गया, अब मैं कभी धोखा नहीं खा सकता। अच्छा, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। ये कहकर उकाब उड़ गया। दूसरे दिन उकाब शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था कि उसे एक दरख्त की शाख पर किसी परिंदे का घोंसला नजर आया। घोंसले के अंदर चार पांच बदशक्ल बच्चे भद्दी आवाजों में चू चू कर रहे थे। उकाब ने सोचा, ये बच्चे मेरे दोस्त उल्लू के हरगिज नहीं हो सकते। ये सोचकर उकाब ने उन बच्चों को खाना शुरू कर दिया। जब वो सब बच्चों को खा गया तो उल्लू उड़ता हुआ आया और शोर मचाकर बोला, अरे तुमने ये क्या किया, ये तो मेरे बच्चे थे। एक चिंगादड़ ने जो आसपास ही उड़ रही थी उल्लू से कहा, इसमें उकाब का कोई कसूर नहीं, सारी गलती तुम्हारी है। जो किसी को धोखा देकर अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करते हैं उनका यही अंजाम होता है। तो ये थी कहानी एक उल्लू और एक उकाब की। यानी जो आप जैसे हैं आपको वैसे ही दूसरों को बताना चाहिए कि हम कैसे हैं। अगर उल्लू ने जो है कहा कि मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे प्यारे हैं, तो उसको तो अपने बच्चे सबसे प्यारे ही लगते हैं। लेकिन जब उसने दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू किया उन्हें और उनको कहा कि वो सबसे सबसे अच्छे हैं, तो बात ये हुई कि वो उकाब को ईगल को सही से बता नहीं पाया। जब उसने सही से नहीं बताया तो ईगल को क्या पता था भाई ये किसके बच्चे हैं। तो इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, और आपके अंदर अगर कोई खराबी है, कोई आपको चीज़ सही नहीं लगती, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि आप झूठ बोलें और आप जो है गलत बात करें। ठीक है, कैसी थी, अच्छी स्टोरी थी, अच्छी। क्या सबक सीखा आपने इसमें? हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच सच सबको बताना चाहिए। और हर कोई परफेक्ट भी नहीं हो सकता, हर किसी में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। है? तुमने क्या सीखा? मैंने सीखा कि किसी को भी झूठ नहीं कहना चाहिए, और अगर झूठ कहेंगे तो फिर अल्लाह हम लोगों को ना देगा। वेरी नाइस। बाय 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 बाय।